ये बातें मन में रखते हुए, इन बातों को मन में रखते हुए अब ये वचन को सुनिए। प्रभु कहता है, पुत्र अपने पिता का, दास अपने मालिक का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ है? मेरे नाम का तिरस्कार करने वाले याजकों, हम सभी लोगों से प्रभु कहते हैं, यही विश्वमंडल के प्रभु का प्रश्न है। तो हम पूछेंगे, हमने किस प्रकार तेरे नाम का तिरस्कार किया, हमने किस प्रकार तेरा अनादर किया? तब प्रभु पूछते हैं, तुम मेरी वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाकर मेरे नाम का तिरस्कार करते हो, इस तरह मेरी वेदी का अनादर करते हो, मेरी वेदी को तुम तुच्छ समझते हो। तो तुम पुनः पूछोगे, हमने किस प्रकार आपकी वेदी को दूषित किया? तब प्रभु कहता है, तुम प्रभु की वेदी को तुच्छ समझते, यू आर टेकिंग द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड फॉर ग्रांटेड। प्रभु कहते हैं, मुझे तुमसे एक शिकायत है, तुम ईश्वर की वेदी को बहुत हल्का समझते हो, तुच्छ समझते हो। तो हमने पूछा, प्रभु हमने कैसे तुच्छ समझा? तब प्रभु बोलते हैं, जब तुम अंधे बलि पशु ले आते हो तब क्या ये बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़ा या रोगी बलि पशु ले आते हो तब क्या ये बुरा नहीं है? विश्वमंडल का प्रभु का कहना है, यदि तुम इन्हें अपने राज्यपाल को भेंट करोगे तो क्या वह इन्हें पाकर प्रसन्न होगा, तुम पर कृपा दृष्टि करेगा? विश्वमंडल का प्रभु का कहना है, अब तुम ईश्वर से हमारे लिए दया की याचना करो तो क्या वह कृपा कर प्रार्थना सुन लेगा? इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रभु हमसे कहते हैं, मुझे एक शिकायत है, तुम मेरा आदर नहीं करते हो। दास अपने स्वामी का, पुत्र अपने पिता का आदर करता है। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मेरे प्रति सम्मान और आदर कहां है? तो हमने पूछा, हमने कहां पर अनादर किया, हमने किस तरह तुम्हारा अनादर किया? तो प्रभु कहता है, तुम मेरी वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाते हो। अब हम समझते हैं, वेदी प्रभु के वेदी के पास, हम सभी लोग जानते हैं प्रभु की वेदी, यहां पर एक वेदी है, मिसा बलिदान की वेदी, हमारे गिरजाघर में एक वेदी है, प्रभु की वेदी है, जहां पर क्रिस्त याग होता है, जहां पर प्रभु ईसा मसीहा के बलिदान को हम स्मरण करते हैं और उसका अर्पण करते हैं। वो बलि वेदी के सामने हम जाते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम मुझे मेरे वेदी का अनादर करते हो, तुच्छ समझते हो। बोले हालेलुया, काफी नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा हम आदर करेंगे उतना ज्यादा उसकी महिमा प्रकट होगी। 1 Samuel 2:30। तो हम सभी लोगों के घर में भी एक वेदी होगी, जो लोग क्रिश्चियन है, कैथोलिक है, अपने घर पे भी एक वेदी बनाए होंगे, जहां पर हम प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु का वचन रखते हैं, या प्रभु के फोटो रखते हैं, या प्रार्थना के लिए बैठते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं। वहां पर एक वेदी तो जरूर होंगे, हमारे घर में भी एक वेदी होंगे। प्रभु कहता है, मेरी वेदी पर तुम दूषित भोजन चढ़ाते हो। उदाहरण के लिए उस वेदी को किस तरह हम लेते हैं, प्रभु कहता है तुम मेरी वेदी को तुच्छ समझते हो। उदाहरण के लिए प्रार्थना के लिए जो वेदी के सामने आने की एक बात हुई, मम्मी बुलाती है, पापा बुलाता है, शायद प्रार्थना के टाइम के लिए, उस समय में अनेक बच्चों को तकलीफ होने लगा। प्रार्थना के लिए जब आते हैं, वेदी के सामने आते हैं, पवित्र वचन कहता है, तब तक कंप्यूटर के वेदी के सामने, कंप्यूटर टेबल के सामने बैठे थे, या होमवर्क जब कर रहे थे, वहां पर भी एक टेबल थे, वहां पर बैठते समय उतना तकलीफ नहीं हो रहा था। लेकिन प्रार्थना की वेदी, प्रभु की वेदी के सामने आए तो क्या क्या हुआ? प्रभु कहता है, कुछ अंधे हो गए, यानी ऑलरेडी सोना शुरू हो गया, नींद आया। प्रार्थना के लिए आया, उस समय बार बार ये आता है, वो जी जाता है प्रार्थना के टाइम में बार बार। लेकिन टीवी के टेबल के सामने बैठा था, उस समय वो तकलीफ नहीं होता था। खाने के लिए बैठा था, वो भी एक टेबल में सामने था, उस समय भी इतनी तकलीफ नहीं थी। लेकिन प्रार्थना के लिए आए, तुरंत कुछ अंधे, कुछ लंगड़े हो गए, मतलब उस समय पैर में दर्द होने लगा, आराम से बैठ नहीं पा रहे हैं। उस समय कुछ लोग सोफा में लेटे हुए हैं, कुछ लोग पैर दबाने के लिए मम्मी के हाथ में ऑलरेडी पैर को रख दिया है, दबाना शुरू हो गया उस समय में। सब अनेक लोगों में ये तकलीफ होना शुरू हो गया प्रार्थना के टाइम में। प्रभु कहता है, मेरे वेदी की तुम निंदा कर रहे हो। बोलिए हालेलुया।
इसलिए परम प्रसाद की वेदी है, उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और मोबाइल पर कुछ चैटिंग कर रहे थे, ये है वेदी का नादर, वेदी का नादर। और उदाहरण के लिए 9 बजे के लिए प्रभु ने बुलाया या 9 बजे शुरू करना है, मिसा बलिदान 9 बजे है, कई लोग 9 बजे के बाद 9:15 को घर से निकलते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु कहता है ये कार्य तुम अपने गवर्नर के साथ करेगा, राज्यपाल के साथ करेगा। यदि गवर्नर ने कोई अपॉइंटमेंट के लिए आपको बुलाया, 8 बजे टाइम दिया, उसके पहले आप जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरे साथ तुम ऐसा कर सकते हो। तुम मिनिस्टर के साथ, मंत्री के साथ, बॉस के साथ, ऑफिस में तुम्हारे बॉस जो है उनके साथ ऐसा नहीं करेगा। उन लोग जब टाइम देगा आप टाइम पे पहुंच जाते हैं, उनके लिए तो आप टाइम पे ठीक पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों। और कहता है ये सब मेरे साथ करने के बाद जब तुम ईश्वर से हमारे लिए दया की याचना करते, विपत्ति आते समय प्रभु बचाओ बोलता है, उस समय क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें ईश्वर की दया मिलेगी? यही बात है, ईश्वर तुम्हारे लिए उस तरह उस समय कैसे काम करेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुमने नापा उसी नाप से नापा जाएगा। यदि तू मेरा आदर करता है मैं उन लोगों का आदर करता हूं, लेकिन जो मेरा अनादर करता है वो तुच्छ समझा जाएगा। दे विल बी डिस्पाइस्ड एवरीवेयर, बाइबल कहता है वो तुच्छ माना जाएगा अपने जीवन में, अपने जगह में। ईश्वर आपको साथ नहीं देगा, कारण क्या है? दृढ़ता नहीं है। अनेक परिवार नाम के वास्ते प्रार्थना करता है, नाम के वास्ते थोड़ा सा प्रार्थना करता है, लेकिन बाकी सब बढ़िया करता है, बाकी सब बच्चों के कार्य, उनकी पढ़ाई की बात, उसमें सब पूरा पूरा आपको ध्यान है, लेकिन प्रार्थना वगैरह थोड़ा सा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रभु पर दृढ़ता, प्रभु पर श्रद्धा, नाम के वास्ते श्रद्धा है? ये काइन का बलिदान प्रभु अस्वीकार करेगा। ऐसे लोगों के बलिदान से प्रभु प्रसन्न नहीं है, उनके घर में विपत्ति आती है। बाइबल कहता है जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। बोले हालेलुया। इसलिए वचन को और एक बार दोहराएंगे, मेरे साथ बोलिए, प्रवक्ता ग्रंथ। काफी नहीं है, काफी नहीं है, मैं फिर से यह सब इसलिए बता रहा था, और कुछ बातें सिखाने के लिए आ रहा था, लेकिन यह सब इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप में कई लोगों की आवाज बुलंद नहीं, आवाज बुलंद नहीं करता है, यहां तक आवाज नहीं पहुंचती, इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रहे। ईश्वर का वचन केवल हम लोग गाने के लिए बोलता है। हमारी इस रिट्रीट की एक विशेषता, हम केवल पवित्र वचन से न दाए न बाए जाएगा, पवित्र वचन में केवल पकड़े रहेंगे। वचन गाते हैं, वचन बोलते हैं, उस पर कोई पानी हम नहीं मिलाता, सीधा वचन जैसे लिखा है वैसा देता है। इसलिए इस वचन को आप दावा करेंगे, वचन का आदर करेंगे, आप चमत्कार देखेंगे। हमने देखा है वचन को बोलते हुए चमत्कार होते हैं, रोगी चंगे होते हैं। वचन का आदर कीजिए, वचन आपका आदर करेगा, वचन में जीवन है, वचन यीशु है, वचन ईश्वर है। बोलिए हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है प्रभु पर श्रद्धा, यदि उसमें दृढ़ता है आपके जीवन में कितनी चमत्कार होने लगेंगे। बाइबल कहता है प्रभु पर श्रद्धा, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1:11, प्रभु पर श्रद्धा महिमा और गौरव, आनंद और उल्लास की पराकाष्ठा है, क्लाइमैक्स है। प्रभु पर श्रद्धा है, आनंद उल्लास और महिमा गौरव ये सब आएंगे। और वचन 12, प्रभु पर श्रद्धा है तो हृदय में स्फूर्ति भरती है, आनंद प्रसन्नता दीर्घ जीवन प्रदान करती है। प्रभु पर श्रद्धा है वो आपके हृदय में एक उत्साह, चलो ठंडा ठंडा गोल गोल कुछ उठने के लिए अच्छा नहीं लगता, चर्च जाने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है तब उठता, मोबाइल बंद करने का मन नहीं करता है और यूट्यूब में देखता रहता है, कुछ लोगों को बोलता रहता है, फोन पे बातें दर्द तक करता रहता है, कोई चीज में उत्साह नहीं है, प्रभु पर श्रद्धा नष्ट हो गया। कारण क्या है मालूम? दुनिया की चीजों में जरूर से ज्यादा लगाव जिस दिन आता है तब एक विपत्ति आ जाती है। उसके बारे में याकूब अध्याय 4:4 में लिखा है, जेम्स चैप्टर 4:4 इंग्लिश में, यू अनफेथफुल क्रीचर्स डोंट यू नो फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी टू द लॉर्ड, एनीवन हु वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड मेक्स हिमसेल्फ एनिमी ऑफ गॉड।
इसलिए प्रभु का वचन अध्याय चार वचन चार, कपटी और बेईमान लोगों, हिंदी में ऐसा है, कपटी और बेईमान लोगों, क्या तुम नहीं जानते हो संसार के साथ तुम्हारी मित्रता तुम्हें ईश्वर का शत्रु बना दिया है। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसलिए या इसलिए योहन का पहला पत्र अध्याय दो वचन पंद्रह, इसलिए ना तो संसार को प्यार करो ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें प्रभु का प्रेम नहीं है, ईश्वर का प्रेम नहीं है। जरूर से ज्यादा लगाओ। आज अनेक लोगों को प्रार्थना में रुचि बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है? इनऑर्डिनेट अटैचमेंट टू सोशल मीडिया, इनऑर्डिनेट अटैचमेंट टू द वर्ल्ड। कोई रिश्ते पे जरूर से ज्यादा लगाव आ जाता है, तब से प्रभु के साथ आपकी रिश्ता पे बहुत दरारे आएंगे, तब से आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। सर, अनक्लीन स्पिरिट एंटर्स इनटू द सिस्टम, बॉडी पे, जीवन पे, शरीर पे, मन पे, आत्मा पे, आपके सिस्टम पे अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा घुसेंगे और उसके बाद प्रार्थना में बहुत तकलीफ होगी। एक अशुद्ध आत्मा से जुड़े हुए, एक अशुद्ध आत्मा से पीड़ित एक आदमी के बारे में बाइबल में हम देखते हैं। वो आदमी गणेश रथ में रहा करता था और बाइबल कहता है वो कब्रिस्तान में रहता था, मकबरों में रहता था, बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के अपने सिर पे मारता था। और वो उनको बचाने के लिए प्रभु गया, प्रभु जब गया उस आदमी से मिला, प्रभु उनको बचाने के लिए गया, यीशु से मिलने के बाद ये आदमी चिल्लाते हुए यीशु के पास आया, दंडवत किया और उसके बाद चिल्ला कर पूछा, तुम मुझे सताने क्यों आए हो? Why have you come to torment me, Jesus? बोले हालेलुया। प्रभु दंड देने के लिए कभी नहीं गया था, बचाने के लिए गया था, लेकिन ये आत्मी बोल रहा है मुझे क्यों सता रहे हो? इसका मतलब संदेश क्या है? ईश्वर का संदेश, ईश्वर के राज्य का संदेश इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा, वो ये है जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा घुसते हैं उनके लिए ईश्वर की उपस्थिति पीड़ादायी बन जाती है, सताने वाली प्रसन्स है। द प्रसन्स ऑफ द लॉर्ड विल बी रियली ट्रबलसम torment for those people having unclean spirit. यदि आपके अंदर कोई unclean spirit है तो उसका प्रूफ कैसे दिखाई देगा? ईश्वर की उपस्थिति में आपको बार बार आएगा। यदि प्रार्थना के समय में ये चीज बार बार आता है, इट्स ए वेरी क्लियर प्रूफ unclean spirit कहीं घुस गया है। unclean spirit, laziness का unclean spirit होगा, गुस्सा का अनक्लीन स्पिरिट होगा, या घमंड का अनक्लीन स्पिरिट होगा। इसमें कोई भी अनक्लीन स्पिरिट घुसेंगे, वासना का अनक्लीन स्पिरिट है, पोर्नोग्राफी का अनक्लीन स्पिरिट है, गलत रिश्ते का अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर आ जाते हैं, उसके बाद सबसे पहली बात यही है, प्रार्थना में रुचि नहीं है। प्रार्थना शुरू करेगा तुरंत नींद आए। एक बेटी के बारे में मम्मी आकर बोल रही थी, फादर जी मेरी बेटी को तो बिल्कुल नींद ही नहीं आती है, 12 बजे 1 बजे जाएगा तो भी मोबाइल में कुछ कुछ करता रहता है, नींद ही नहीं आती है लड़की, 12वीं में पढ़ती है। लेकिन फादर जी रोसरी शुरू करेगा ना, पहले भेद खत्म होने के पहले अच्छा गहरी नींद मिलेगा। कितनी शक्ति है रोसरी का, बोलता है, बोले हालेलुया, बोले हले। ये कारण क्या है? अशुद्ध आत्मा यदि कोई किसी के सिस्टम में घुसते हैं तब से प्रार्थना में आपको रुचि नहीं होगी, प्रार्थना में तकलीफ होगा, प्रार्थना में आपको शरीर में दर्द होने लगेगा और बहुत ज्यादा नींद आएंगे। कितना कोशिश करने पर भी आप नींद कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जितना कोशिश करने पर भी ये चीज मुंह आपका खुल जाएगा ये करने के लिए, बार बार आ जाएगा। ये प्रूफ है, वेरी क्लियर साइन। व्हाई डू यू टॉर्मेंट मी, कोई पूछता है अंदर से। प्रार्थना आपको तकलीफ वाली बात बन जाएगी। उसके बाद आप जितना भी काम करेगा, दूसरों के लिए मदद करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, वो सब है, लेकिन परम प्रसाद के सामने बैठ नहीं सकेगा, प्रॉब्लम है। बाइबल शुरू करेगा, एक चैप्टर पूरा अभी तक नहीं पढ़ पाएगा, पूरा नहीं करेगा, उसके पहले आपको कोई तकलीफ आएगा, वन चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ऐसा तकलीफ है। वो अनक्लीन स्पिरिट का काम है, ये किसी बैरी का काम है। स्वामी ने उत्तर दिया, ये किसी बैरी का काम है, ये शत्रु का काम है, ये अशुद्ध आत्मा का काम है। बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा
बुराई से बैर करती है, प्रभु पर श्रद्धा जो दृढ़ता पूर्वक नहीं रखता उसके घर में विपत्ति आ जाएंगे। पवित्र वचन हमें बताते हैं उसके घर में विपत्ति आ जाती है। लेकिन प्रियजनों, ईश्वर के राज्य के सबसे बड़े रहस्य क्या है मालूम? ईश्वर के राज्य के बारे में यीशु ने शिक्षा दिया। बाइबल कहता है ईश्वर के राज्य के बारे में यीशु शिक्षा देने के लिए आया। ईश्वर के राज्य के बारे में जितने लोगों ने शिक्षा पाया वे सबके सब चंगे हो गए। ईश्वर के राज्य की शिक्षा देने के लिए यीशु आया। ईश्वर के राज्य क्या है? ईश्वर का राज्य बाइबल कहता है Romans 14:17, रोमियों का पत्र 14:17 में लिखा है, ईश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है बल्कि न्याय, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय। ये न्याय, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, दैट इज राइचियसनेस। राइचियसनेस को हिंदी में थोड़ा न्याय रखा है, दैट इज नॉट जस्टिस। ये न्याय जस्टिस है, लेकिन इसे ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट, दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। राइचियसनेस धार्मिकता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। इसलिए ईश्वर का राज्य के सबसे पहले हम लोगों को ईश्वर के राज्य की खोज करना है, उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, बाकी सब कुछ आ जाएगा। आज बाकी सब कुछ क्यों नहीं आता है? सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज नहीं हो रही है, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहे हैं। क्यों बीमारी से चंगाई नहीं मिल रहे? ईश्वर के राज्य की खोज नहीं हो रही है। इसलिए घर का तकलीफ क्यों दूर नहीं हो रही है? प्रार्थना का विषय काफी साल से है लेकिन उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? ईश्वर के राज्य की खोज पूरा पूरा नहीं किया होगा। ईश्वर के राज्य तीन बातों में निहित है, Romans 14:17, तीन बातों में ईश्वर का राज्य क्या क्या है? ये ईश्वर का राज्य तीन बातों में, righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, that is the kingdom of God। दाएं हाथ उठाकर बोलिए, ईश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, that is the kingdom of God। हाथ नीचे कीजिए। से पहली बात धार्मिकता, righteousness, righteousness, righteousness। बोलिए हालेलुया। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 58:8, चैप्टर 58:8, उसमें लिखा है, तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे जाएगी तो ईश्वर की महिमा पीछे पीछे आएगी। हाँ, बहुत सुंदर वचन है, धार्मिकता आगे आगे तो महिमा पीछे पीछे। आज महिमा क्यों नहीं है जीवन में? धार्मिकता आगे आगे नहीं है। तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे तो मेरी महिमा पीछे पीछे। ईश्वर वादा करता है, तेरी धार्मिकता आगे आगे जाएगी तो मेरी महिमा तू जहां जाए वहां पे पीछे पीछे आएगी। बोले हालेलुया। Your righteousness shall go before you and glory of the Lord shall be your rear guard। वो पीछे से प्रोटेक्ट करेगा, पीछे पीछे आएगी करके हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसा है, इंग्लिश में है it will be your rear guard, ऐसा है, पीछे से प्रोटेक्शन देगा। इसलिए दाएं हाथ उठाकर और एक बार, तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे, ईश्वर की महिमा पीछे पीछे। इसायास का ग्रंथ 58:8, हालेलुया। मेरी धार्मिकता आगे आगे, ईश्वर की महिमा पीछे पीछे। हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। इंग्लिश में गुड न्यूज बाइबल में ट्रांसलेशन ऐसा है, इफ योर होलीनेस शाल गो बिफोर यू एंड ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शाल बी योर रेयर गार्ड। इंस्टेड ऑफ राइचियसनेस होलीनेस रखा है।